ओके स्टूडेंट, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट अबाउट डिटरमाइनिंग द चेंज इन कलेक्टर करंट. कलेक्टर करंट डेल्टा आई सी दैट इज ड्यू टू द बेस एमीटर वोल्टेज वी बी फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. व्हेन वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देन व्हाट इज द चेंज इन द कलेक्टर करंट. ओके कलेक्टर करंट इन फिक्स्ड वाइज कॉन्फ़िगरेशंस हैविंग बीटा इज 100 हैविंग बीटा इज 100. ओके सो नाउ दिस इज लाइक दिस इज बी जी टी गिवन लाइक दिस. ओके सो दिस इज अवर ग्राउंड एंड दिस इज माई रेजिस्टेंस. ओके सो दिस इज माई रेजिस्टेंस एंड देयर इज अ पावर सप्लाई. हाउ मच इज गिवन दिस 7 वोल्ट एंड दिस आर बी इज गिवन एज 250 किलो ओम. हाउ मच 250 किलो ओम. ओके सो दिस इज माई आर सी इज हाउ मच आर सी इज 1 किलो ओम. ओके सो नाउ आर सी इज 1 किलो ओम. दिस इज व्हाट आई सी. सो नाउ ही इज आस्किंग अबाउट वट एट टी इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस. दिस डिग्री सेल्सियस वी बी इज हाउ मच वी बी इज 0.65 वोल्ट. देन एट टी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस हेयर वी बी इज हाउ मच वी बी इज गिवन एज 0.5 वोल्ट. सो देन आस्किंग वट अबाउट चेंज इन कलेक्टर करंट इज हाउ मच. ओके चेंज इन कलेक्टर करंट इज हाउ मच. सो देन लेट अस कैलकुलेट दिस. सो फर्स्ट सी दिस बेस करंट हेयर बेस करंट. ओके सो दिस इज माई बेस करंट. नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस बेस करंट. वट इज दिस आई बी इज इक्वल टू हाउ मच सप्लाई वोल्टेज इज हाउ मच 7 वोल्ट माइनस वी बी. वी बी एट 25 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मच. एट रूम टेम्परेचर वी बी इज गिवन एज 0.65 डिवाइडेड बाई हाउ मच 250 किलो ओम. दिस इज मिली एम्पेयर. सो देन यू विल गेट दिस बेस करंट यू विल गेट एट रूम टेम्परेचर एज 7 माइनस 0.65 इट विल कम डिवाइडेड बाई 250. सो दिस इज 7 माइनस 0.65 डिवाइडेड बाई 250. सो इट विल कम 0.0254. सो इट इज 0.0254 वट मिली एम्पेयर. ओके सो देन आई सी इज हाउ मच. आई सी इज नथिंग बट 2.54 मिली एम्पेयर. ओके सो बिकॉज आई सी इज इक्वल टू वट आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी. ओके सो आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी. सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट आई सी इज इक्वल टू 2.54. ओके सो दिस इज 6/2. ओके सो दिस मच 2.54 मिली एम्पेयर वी गॉट आई सी. ओके आई सी एट रूम टेम्परेचर. नाउ सी द आई सी एट वट 100 डिग्री सेल्सियस. एट 100 डिग्री सेल्सियस नाउ वी आर कैलकुलेटिंग आई बी इज इक्वल टू हाउ मच. आई बी इज इक्वल टू 7 माइनस एट 100 डिग्री सेल्सियस हाउ मच 7 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 250. हाउ मच 250 वट मिली एम्पेयर. ओके सो दिस इज नथिंग बट आई बी इज इक्वल टू सो दिस इज 7 माइनस 0.5 इज हाउ मच 5.5. ओके सो 6.5 डिवाइडेड बाई 250 मिली एम्पेयर. हाउ मच इज दिस 6.5 डिवाइडेड बाई 250. सो दिस इज 0.026. हाउ मच आई बी इज इक्वल टू 0.026 मिली एम्पेयर. वट मिली एम्पेयर. ओके सो इफ इट इज लाइक दिस देन कलेक्टर करंट विल बी 100 टाइम आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी. सो इट इज 2.6 वट मिली एम्पेयर. मिली एम्पेयर. ओके सो दिस इज आई सी डैश.
Let us assume this is IB dash. IB dash means it is at 100 degree Celsius. So now we got IC at room temperature and IC at 100 degree Celsius. So now change in collector current is how much? Change in collector current. So let us see. So this is delta IC. How much? Delta IC. Delta IC is equal to how much? IC dash. IC dash minus IC. So how much it will come? Delta IC. Delta IC is equal to IC dash is 2.6 milliampere minus, so that we got 2.54. okay, so that is 2.554. okay, so this milliampere. So this is what change in collector current. Delta IC is equal to 2.6 minus 2.54 is how much? 0.06 milliampere. Okay, so this is the change in collector current. How much change? So delta IC is equal to 60. How much? 60 microampere. 60 microampere. Okay, so therefore answer is A answer. Option A is correct. Okay, so this is about change in collector current.